हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं जिसका नाम है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जी हाँ दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो है वैकेंसी आ रखी है 10वीं 12वीं ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट के लिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पूरा डिटेल में जो है आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में डेली विजिट करते हैं तो आपको जो है ढेर सारी वैकेंसीज़ का अपडेट और फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये सारे मिल चुके होंगे। तो अगर आपने ये सारी वैकेंसीज़ का फॉर्म कैसे फिलअप करना नहीं देखा है तो आप जो है देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, या फिर दोस्तों आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की आई हुई वैकेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो है वैकेंसी आ रखी है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे 89 वैकेंसीज है। तो बात करेंगे यहाँ पे बारी बारी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, सारी चीज़ जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी जो है आपको सारी डिटेल जो है यहाँ पे क्लियर होगी। तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और क्या पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों वर्क असिस्टेंट ए के लिए 72 पोस्ट आई हुई है, जहाँ पे जनरल के 20, एससी के 15, एसटी के 12, ओबीसी के 15, ईडब्ल्यूएस के 3 पोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे 11 पोस्ट आई है, जहाँ पे जनरल्स के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 आई है। 6 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए आई है। अब यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रखा गया उसके रिगार्डिंग अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे अगर आप देखो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है उनके लिए जो है 10वीं पास रखा गया है 50%, और यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर है उनको 80 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में स्टेनोग्राफी होना चाहिए। टाइपिंग टेस्ट भी दोस्तों यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट मांगा रखा है स्टेनोग्राफर के लिए। ड्राइवर पोस्ट की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे 10वीं पास रिक्वायरमेंट है, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं जो वर्क असिस्टेंट वाले पोस्ट है उनके लिए, तो यहाँ पे सिर्फ वर्क असिस्टेंट के लिए 10वीं पास रखा गया है। अगर आपने सिर्फ 10वीं पास किया हुआ है तो आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए फिलअप करेंगे तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें दोस्तों इंग्लिश से, जनरल नॉलेज से, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों 1 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है। सेकेंड लेवल जो है आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए, तो ड्राइवर पोस्ट की आप देख सकते हैं इसमें भी 1 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पे जो है ड्राइविंग टेस्ट होगा सेकंड स्टेज में। वर्क असिस्टेंट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 2 लेवल में एग्जाम होगा। पहले लेवल में दोस्तों 1 घंटे का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन जो है आपको मैथमेटिक्स से, 20 क्वेश्चन जो है साइंस से और 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे। लेवल 2 जो है इसके बेसिस जो है सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो लेवल 2 में जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आपका जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों 2 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन और जो जनरल अवेयरनेस है 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो है आपके बेसिक इंग्लिश जो है यहाँ पे पूछी जाएगी। अब यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट है दोस्तों वो एडवांस के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए इंपॉर्टेंट डेट की, तो दोस्तों ये जो फॉर्म है आपका स्टार्ट होगा ऑनलाइन 1/7/2022 से। यहाँ पे जो है इसकी जो लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022 रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये का रखा गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप एससी एसटी हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो आपका रिजर्वेशन है, जो कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिगार्डिंग थी। इसका फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है वो वीडियो जो है आपको 1 जुलाई को अपडेट होगा, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बाकी अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।